हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो इन टॉक्सिक लेजेंड। और भाई आ गए हम लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, एक और नए पार्ट के साथ ब्लेंडर के। तो भाई 3D लोगों का कोर्स चल रहा है भाई, जितने पहला पार्ट नहीं देखा तो देख सकता है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम लोग जाके देख सकते हो। पार्ट वन देख लो, जिसने पार्ट वन नहीं देखा और पार्ट टू देख रहा है यार, तो उसको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर वो बहुत मसले हो जाते हैं यार ये कैसे करा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले पार्ट वन देख लो, जिसने नहीं देखा उसके बाद पार्ट टू पे आओ, ठीक है। अब पार्ट वन में तुम लोग को पता है हमने लास्ट टाइम क्या कहा था, मैशेज और टेक्सचर निकाले थे, अब उन सबको हमने एक्सपोर्ट वर्क सब कर लिया था। भाई अब हम क्या करते हैं, ब्लेंडर को ओपन करते हैं, क्योंकि अब हमारा काम है ब्लेंडर के अंदर। ब्लेंडर को ओपन कर लिया, ये देख सकता मेरा ब्लेंडर हो चुका है ओपन। तो तुम लोग का भी कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो घबराना नहीं है, ओपन हो रहा है मेरा जरा जो है ना, ये देख सकता मेरा ओपन हो चुका है। अच्छा अब तुम लोग के सामने जब इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद बस ये कुछ न्यू बन जाएगा तुम्हारा, सही। और तुम्हारे पास सामने इस तरह से एक वो बना होगा, तो इसको सबसे पहले डिलीट कर दो, यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करो इस तरह से, और यहाँ पे डिलीट बटन जो है ना वो दबाओ। जैसे डिलीट बटन दबाया तो ये डिलीट हो चुका है। अच्छा भाई तुम लोग के पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। यहाँ पे तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को सिर्फ अपना काम करना है। यहाँ पे फाइल में चले जाओ, फाइल में जाने के बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, सही। इंपोर्ट पे जाके तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने ओबीजी में, तुम लोगों ने याद है तुम लोगों का फॉर्मेट जो था फाइल फॉर्मेट ओबीजी था, तो तुम लोगों ने यहाँ पे ओबीजी पे क्लिक करना इस तरह से तुम्हारा। अब तुमने जो फोल्डर चूज करना जहां तुमने टेक्सचर थी, तो जहां तुमने इसको एक्सपोर्ट किया था, सही है, याद है तुम लोग जहां मैंने एक्सपोर्ट करवाया, जैसे मैंने अपना मॉडल्स का फोल्डर मैसेज का नहीं मॉडल्स का फोल्डर बनाया हुआ था, तो ऐसे तुम लोगों से कहा था कि जो एक्सपोर्ट डायरेक्टरी चूज करना ये इस तरह से, जो तुम लोग को जो एक्सपोर्ट करा तुम लोगों ने नॉइजेस में से, वो तुम लोगों ने जहाँ रखी है वो ना वहाँ से इसको करना। अब एंडी की न्यू क्लोज के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एंडी का फेस इंपोर्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करना, एंडी का फेस जो है इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो एंडी का फेस ये आ गया, तो यहाँ पे लाने के बाद तुम लोग इसको यहाँ इस तरह लेके आना, और बल्कि कुछ नहीं करो, इसको पहले वो कर दो। अच्छा तुम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हो, तो तुम लोग के पास अगर तुम लोग इसको सिलेक्ट करोगे ना, तो तुम लोग के यहाँ पे सामने एक पैनल होगा, सही है। पैनल में देखना ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आ रहा होगा, सही, इस वाले पे क्लिक करना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा। ट्रांसफॉर्म अगर इस तरह होगा तो इस तरह को खोल देना, ड्रॉप डाउन कर देना, और यहाँ पे रोटेशन एक्स में जाके ये 90 होगा, इसको जीरो कर दो, इसे क्या होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट उसमें आ जाएगा। अच्छा अब तुम लोग क्या करना है, ये इस तरह से तुम लोग यहाँ पे मोड्स दिए हुए, तो तुम लोग यहाँ पे क्या करो, व्यू पॉइंट शेडिंग वाले पे क्लिक करो, तो इस तरह से वाइट हो जाएगा, सही से नजर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे इंपोर्ट में आ जाओ, इंपोर्ट में आने के बाद वापस ओबीजी वाले में जाओ। अब एनडी फेस आ गया, एनडी हेयर कर लेते हैं हम, एनडी के हेयर को भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करो वापस, और उसके बाद जीरो, और इसको ठीक इसके ऊपर ले आओ। अब तुम लोग को इसके एनडी के बाल जो है ना, इसके ऊपर सेट करने पड़ेंगे हमें। तो यार ये एनडी के हेयर है, सही है, वो जो टेक्सचर जो हमने कहा था वो थोड़ा गलत था, तो एनडी के हेयर ये वाले हैं, सही वाले मैंने मेरे पास तो पहले से निकले हुए थे, इसलिए तो यहाँ पे मेरे पास एनडी के जो है ना ये वाले टेक्सचर आ गया, ठीक है। तो अब इसका पहले हम इसकी डायरेक्शन सही कर दें, इसको जीरो कर दो पूरा, ये हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। अब इसको इसके सर पे तुम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है, सही, तुम लोग को साइज कोई नहीं छेड़ना, बड़ा छोटा कुछ नहीं करना, अब तुम लोग इसके सर के ऊपर लाके इसकी सेटिंग बिठानी है। ये देख सकते हो तुम लोग, ये बस इतना काफ़ी है, ठीक हो गया। इसको तुम लोग थोड़ा सा पीछे ले जाओ ताकि इसके कान के पास से, और यहाँ से ठीक हो गया इतना, हाँ बस सही, ये हमारा ये सेट हो गया। अच्छा तुम लोगों ने अब क्या करना है, वापस ओबीजी में जाओ, यहाँ पे तुम लोगों ने अब एनडी का फेस भी आ गया, हेयर भी आ गया, एनडी की शर्ट ले लेते हैं। अब इसकी एनडी की, अब देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे वापस सिलेक्ट करना, ये नहीं क्योंकि वो पहले सिलेक्ट रहता है, तुम लोग इसको वापस सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये 90 इसको जीरो कर दो, ये वापस देखो अपने उस पर आ गया खुद ब खुद, ठीक हो गया। यहाँ पे वापस जाओ, इम्पोर्ट में जाओ, ओबीजी में पेंट में चले जाओ, इसका भी इस तरह वापस को सिलेक्ट करो, और यहाँ देखो वापस सिलेक्ट करो उसको, और जीरो ये अपनी जगह पे आ गया वापस। अब इसको वापस जाओ, इसके अंदर इम्पोर्ट ओबीजी, और यहाँ पे एनडी के शूज करो, उसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे इसको कर दो जीरो, सारे खुद ब खुद आ गए, सही है। देखो साइज अगर हम छेड़ते ना तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ फिट हो रहा होता, जाकर हमें करना पड़ता और फिर हमारा टाइम वेस्ट होता। ये देखो हमारा इस तरह से ही पूरा हमारा आ गया है। अच्छा अब तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोग अगर देखो, अगर हम देखो यहाँ पे अभी इसमें ना टेक्सचर, अभी इसके अंदर अभी कुछ नहीं करना, तो यार हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक करने के बाद जो है ना अब तुम लोगों को इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट कैसे करना है मैं तुम लोग को बताता हूँ, इसको पहले तो इसको साइज बड़ा कर लेते हैं हम लोग, और इसको ऊपर तक ले आओ, बस सही है, इसको हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। एक्स यहाँ पे जाओ, और एक्सपोर्ट किस तरह करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाओ, FBX लिखा हुआ है ना, FBX में इसमें एक्सपोर्ट कर दो, और उसका नाम लिख दो एनडी न्यू क्लोथ्स, बस सही है, मैंने ये नाम लिख दिया, इसको मैं जी में रखता हूँ, और एक्सपोर्ट FBX,
ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, यहाँ गूगल पे जाना है क्रोम पे, और यहाँ पे मैक्सिमो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है यार, जिसकी मदद से आप एनिमेशन एनिमेट कर सकते हो, रिगिंग हर चीज़, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। तो तुम लोग को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे तुम लोग गूगल पे जाके अगर लिखो तो तुम लोग के पास आ जाएगी सही, लेकिन मैं तब भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम लोग कर लेना। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो लॉगआउट हो जाता है खुद। तो यार मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ सही है। अब तुमने क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो अपलोड करेक्टर, यहाँ पे अपलोड करेक्टर पे तुम लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पे जो तुम लोगों ने जहाँ अपना वो FBX करा है ना एक्सपोर्ट इसका, तो वो तुम लोगों ने यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप करना है। ये रहा मेरा एडी न्यू क्लोथ, यहाँ पे इसको ड्रैगन ड्रॉप कर दो, इस तरह से लोडिंग लेगा और ये प्रोसेसिंग करेक्टर करेगा। अब देखो तुम लोग इसके बाद जैसे तुम लोगों के सामने इस तरह से आ गया, तुम लोगों ने क्या करना है, देखो उल्टा हुआ है यहाँ पे रोटेट, और ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस सही है, और इसको तुम लोग क्या करना है, इसको फ्रंट की तरफ ले आओ। फ्रंट की तरफ लाने के बाद अब ये देखो चिन रिस्ट और एल्बोस नीस ये, अब तुम लोगों ने देखो ये पिक्चर पे तुम लोग के पास शो रही होगी, ये जो ब्लू ये चिन है ना ये तुम लोगों ने यहाँ लगानी है इसके इधर, देखो तुम्हारे पास साइड में कैमरा भी है। अच्छा यार अब इसकी रिस्ट कहाँ रखनी है, तुम लोगों ने रिस्ट ले आओ, उसको यहाँ पे लाने के बाद इधर इसकी रिस्ट लगा दो। एल्बोस कहाँ देनी है, तुम लोगों ने एल्बोस लेके आओ, इसकी जहाँ एल्बो आ रही है ना यहाँ पे एल्बो, इसकी यहाँ पे ले आओ। नीस ये रे से घुटने और ग्रोइन यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर दो। देखो अब ये तुम्हारे कैरेक्टर की वो कर रहा है, ये रिगिंग कर रहा होता है, देखो ये रिगिंग कर रहा है ताकि तुम इसके अगर कोई भी बॉडी पार्ट मूव करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। तो यार देखो हमारा देखो कि ये पूरा रिगिंग हो चुका है, अब ये देखो किस तरह हो गया ये सही है। तो अब तुम लोग कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है और इसको सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ से तुम लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करना है, FBX सही है, FBX करना है और इसका ओरिजिनल टीप हो जो तुम लोग चाहो तो कर दो, ओरिजिनल कर लो, पर कोई मसला नहीं है तुम सही है। और उसके बाद ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखो ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ये देखो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब तुम लोग क्या करना है, इसको तुम लोग वैसे इसका नाम भी सेव कर सकते हो, इसको सेव कर लो एंड दी न्यू क्लोज सही है, इसको सेव कर दो ब्लेंडर की फाइल। अच्छा अब तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करवा दो, एक न्यू इसको कर दो, इसको बंद कर दो, इसको न्यू करके जनरल में चले जाओ, इसको डिलीट करो, और यहाँ पे तुम लोगों ने जो FBX तुम्हारी डाउनलोड हुई है ना इसको इम्पोर्ट FBX करो, डाउनलोड में चले जाओ, और यहाँ पे आने के बाद देखो तुम्हारा मेरे तो बहुत सारे देखो तुम्हारा मैंने एंडी न्यू क्लोज के नाम से वही रहा FBX, इसको इम्पोर्ट कर दो और इस तरह से आएगा बहुत बड़ा। तो तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, इसको जिस तरह हमने साइज में करा था उसी तरह आया। अच्छा अब तुम लोगों ने क्या करना है, इसकी जल्दी इसके हम टेक्सचर्स देने हैं, शेडिंग में चले जाओ, शेडिंग वाले टैब ये रहा। अब यहाँ पे तुम्हारा करेक्टर यहाँ पे इस तरह से सही है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, इसको बड़ा कर लो। अब एंडी का फेस है, एंडी का फेस पे क्लिक करोगे इस तरह से तुम्हारे सामने ये खुला हुआ होगा। तुम लोग क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जहाँ तुमने अपने ये मॉडल्स निकाले थे ना याद है एक्सपोर्ट जो करे थे, तो उसके उस फोल्डर में चलो, यहाँ पे मॉडल्स में चले गए एंडी एंडी न्यू क्लोथ्स और इसमें चलेगा, इसको कॉपी करा और यहाँ के इसकी डायरेक्टरी पेस्ट कर दी और ये सामने खुल गया। देखो हमें टेक्सचर्स आ गए, यहाँ पे फेस पे ड्रैगन ड्रॉप करा और उसको उठा के कलर से कलर मिला दिया। देखो अगर तुम लोगों ने यहाँ वीडियो स्किप की तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा ये टेक्सचर कैसे हो रहे हैं। अच्छा इन टेक्सचर का मैं बताता हूँ, इस पे इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे देख रहे हो यूवी एडिटिंग, इस पे चले जाओ, यूवी एडिटिंग के बाद जाने के बाद इन सबको सिलेक्ट करो, इसको यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्म वाले पे जाओ और उसको पहले देखो, इसको इधर ले आए तुम लोग, ये देखो अब तुम लोग देखो ये चीज़ जो आ रही है ना ये ऊपर आ रही है देख सकते हो तुम लोग। अब इसको क्या करना है, इसको इस तरह से ले जाओ ऊपर की तरफ और ये इस तरह से और इसको यहाँ लाओ यूं और इसकी सेटिंग करके बिठा दो ये देखो इसकी जगह। अब यहाँ पे शेडिंग में चले जाओ, अब तुम लोग देखो तुम्हारी सही टेक्सचर बैठे सही नहीं बैठे, देखो एंडी की आँख थोड़ी अजीब सी हो रही है, तो वहाँ पे यूवी एडिटिंग में जाओ और तुम लोग देखो तुम्हारी तुमने गलती क्या करी। अच्छा हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले गए, अब देखो थोड़ा सा टेक्सचर सही हुआ है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है और फर्क आएगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं और ये अभी शेड। अब देखो हमारा बिल्कुल सही हो गया परफेक्ट। तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, तुम लोग चाहो तो इसको मिटेल थोड़ा सा दे सकते हो और इसकी स्पेक्युलर इसको मैं कम कर देता हूँ, पूरा कम कर दो, ये स्पेक्युलर रहता है या ये इसको पूरा कम कर दो, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ो। अब एनडी के हेयर आ जाते हैं, एनडी के हेयर को बाद में करते हैं हम लोग, और क्या नाम है इसकी इस पे आओ कोट में एनडी का एनडी की येरी शर्ट, देखो मेरे अपने कपड़े याद है। अब देखो ये इस तरह से हो रहा है, अब तुम लोग को यूवी एडिटिंग में चले जाना है और इस तरह से देखो तुम लोग ये तुम लोग थोड़ा सा यार ये मुश्किल काम है, तुम लोग को समझना पड़ेगा उसके बाद तुम आराम से कर सकते हो। अब तुम लोग देख सकते हो ये इस तरह से आ रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसको इस तरह करा और ऊपर चले गया ये और इसको इस तरह नीचे ले आया मैं और इसको ऊपर तो यूं ले गया पूरा,
पूरा सही से वो कर देना है, टेक्सचर बनना जो है ना ये। अब तुमने शेडिंग में जाओ, देखो सही आ गया बिल्कुल, कैसा बेहतरीन आ गया। ठीक है, इसका स्पेक्युलर पूरा कम कर दो, चाहो तुम लोग मेटैलिक दे सकते हो। और अब तुम लोग क्या करना है, इसकी पैंट आ गई, ये रही इसकी पैंट, अब इसकी पैंट को दे दो, इसकी टेक्सचर चेक कर लो तुम लोगों ने सही है कि नहीं है, इसकी टेक्सचर देख लो तुम लोग, देख लो गलत है। तो अब तुम लोगों ने इसको इसको ऊपर ले जाना है इस तरह, देखो तुम लोग देखते रहो, तुम लोग को नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना मुझे, मैं समझा दूंगा। और इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ से ऐसे और ऐसे शेडिंग में जाओ, हमारी पैंट भी सी हो गई, स्पेक्युलर पूरा कम कर दो, इसका शूज आ गया इसके, अब शूज के थोड़े टेक्सचर हमें देखने पड़ेंगे, यही है इसका असल। ओके, इसको ये देखो इस तरह से, यानी ये वही ऊपर होगा, ये भी ऐसे, ज्यादातर जो है ना इसी तरह होता है, ऊपर करने होते हैं। तो हम पूरा यहाँ से मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे, अब देखते हैं यार, यही हमारा पहले वाला था, यही वाला था जिसका मैं, मुझे लग रहा था ये नहीं है, लेकिन यही हमारा शूज़ जो है ना, तो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन मैं जब पिक्चर देखी तो यही था। तो ये अब तुम लोग कह रहे हो यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको भी कर देते हैं। इसके एंडी के बाल, एंडी के बालों को चाहो तो तुम लोग यहाँ से कलर दे सकते हो, इसलिए मैं इसके बालों को वो नहीं टेक्स्चर देता नहीं है, तुम चाहो दे सकते हो, सही है। फिर बालों को तुम लोग मेटैलिक करना चाहो कर सकते हो, स्पेक्युलर कम करना चाहो, स्पेक्युलर कम करोगे जैसा लगेगा, रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दो, रफनेस भी छोड़ दो, ज़्यादा ढीला वो नहीं करो, छिड़का नहीं। अब तुम लोग क्या करो, लेआउट में आ जाओ, तुम लोग देख सकते हो ये हमारा कुछ करेक्टर इस तरह से हुआ है। अब तुम लोगों ने सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं पहले इसका ये थोड़ा सा आगे करने दिया, ये थोड़ा सा पीछे है, ये अब सही हो गया। तो ये अब तुम लोग इसको शॉल सेव कर लो, एनडी एनडी न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ मॉडल। तो यार हमने करेक्टर यहाँ तक रेडी कर लिया है, तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी देखी मेकिंग करना सिखाऊंगा, सब कुछ करना सिखाऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। और यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर तुम लोग को अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।